ड्रीम इलेवन में जब भी आप टीम बनाने के लिए जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन से खिलाड़ी को हम रखें, किसे छोड़े। और सबसे ख़तरनाक आपको कंफ्यूजन होता है इस टाइम पे, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आप यहाँ पे जब टीम क्रिएट करते हो तो फिर देखते हो आप यहाँ पे जो परसेंटेज 93.361 और 93.64 94.52 75.4 और ऐसे करके आप देखते हो यहाँ पे बहुत सारे परसेंटेज। और यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ये जो हाईली परसेंटेज वाले हैं, इन खिलाड़ियों को हम लोगों को रखना है अपने टीम में। आप बनाते हो कुछ ऐसा टीम परसेंटेज देख के और फिर आप यहाँ पे हार जाते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस परसेंटेज वाली बीमारी से आपको कैसे छुटकारा मिलेगा और कैसे आपको करना है सब कुछ, कैसे आपको अपना टीम बनाना है, आपको कैसे इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके बेस्ट टीम आपको बना के जाना है, जानेंगे सब कुछ यहाँ पे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आप लोग इस परसेंटेज वाली बीमारी से छुटकारा पाके एक बेस्ट टीम बना सकते हो और यहाँ पे विनिंग कर सकते हो। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका परसेंटेज सिलेक्शन बहुत लो होता है और वो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस करके जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग हाईली परसेंटेज वाले खिलाड़ी को लेके जाते हो और ये आपको हरा के चले जाते हैं, या फिर ये सारे खिलाड़ी जो हैं आपके अपोनेंट के पास भी होते हैं और वो कुछ चेंजेस के साथ कुछ कम परसेंटेज वाले खिलाड़ियों को लेके आता है और फिर वो विन करके चला जाता है और आप अपना बेस्ट टीम यहाँ पे धरे का धरे रह जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे टीम बनाना है, सबसे पहले आप कोई भी टीम बनाओ तो आंख बंद करके मत बनाओ। आप पूरे स्टेट्स को पढ़ो, हर खिलाड़ी के बारे में जानो, लाइनअप के बारे में जानो, कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे खेलने के लिए आ रहा है, कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन सा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होके आ रहा है, इंपैक्ट प्लेयर कौन आया खेलने के लिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपने रखा यहाँ पे रहाने को और उसके जगह पे आ गया शिवम दुबे खेलने के लिए, या फिर अंबती रायडू खेलने के लिए आ गया, या फिर आपने रखा यहाँ पे साई सुदर्शन को, हार्दिक पांड्या को और वन डाउन साई सुदर्शन के जगह पे विजय शंकर खेलने आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, बट यहाँ पे आपको पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे प्लेयर का सिलेक्शन करना है और फिर यहाँ पे कैसे आप बना पाओगे बेस्ट टीम। आप कोई भी टीम बनाओ तो यहाँ पे सबसे पहले बैटिंग, विकेट कीपिंग, ऑलराउंडर, बॉलिंग, चार सेक्शन होते हैं। इन चारों सेक्शन से आपको खिलाड़ी रखने होते हैं टोटल मिला के 11 दोनों टीम से, और फिर यहाँ पे आप बना पाते हो अपने बेस्ट 11, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे विकेट कीपिंग का सेक्शन जो है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस टीम को रीसेट कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कर दिया रीसेट पूरा टीम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेवन कॉनवे, रिधिमान साहा दोनों ओपन करने के लिए आते हैं। आप जानते हो दोनों ओपन करने के लिए आते हैं, आप देख रहे हो मैच इनका, नहीं भी देख रहे हो तो आप स्टेट चेक करो, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब आप देखो इसमें से दोनों प्लेयर का परफॉर्मेंस किसका बेहतर रहा है, तो वही देखा जाए डेवन कॉनवे का। तो डेवन कॉनवे का परफॉर्मेंस आप देखोगे यहाँ पे हर मैच में बेहतर परफॉर्मेंस किया है, एक दो मैच को छोड़ दिया जाए तो। वही रिधिमान साहा यहाँ पे आपको दिखेंगे दो तीन मैच में फ्लॉप होते हुए, एक मैच में अच्छे चलते हुए। तो यहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो किसी एक प्लेयर के साथ जाए या फिर दोनों प्लेयर के साथ जाए, क्योंकि यहाँ पे दोनों ओपन करने के लिए आते हैं और दोनों टॉप ऑर्डर के और काफ़ी यहाँ पे ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आपको रन भी बना के देंगे यहाँ पे, आपको रिधिमान साहा जो है विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे और डेवन कॉनवे कैच से पॉइंट दे सकते हैं, रनआउट से पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग तो करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। अब इसे आप एग्जांपल में समझो बहुत बेहतर तरीके से। ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको देखना है कौन सा स्टेडियम है, यहाँ पे इन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड कैसा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पेस के लिए पिच बेहतर है या फिर स्पिन के लिए पिच बेहतर है, तो बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है। तो आप जानते हो यहाँ पर जो चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में है, अगर यहाँ का देखोगे तो पिच जो होता है बैलेंस पिच होता है, तो आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे 53 विकेट गिरे हैं रिसेंट में, 30 पेसर्स और 23 स्पिनर्स लिए हैं, तो आप ये चीज़ समझो कि पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलेंगे, स्पिनर्स को थोड़ा कम विकेट मिल सकता है और यहाँ पे बैलेंस पिच है तो रन भी बनने वाले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को अपने टीम में रखो, शुभमन गिल को रखो, शिवम दुबे जो हैं आ रहे हैं अभी वन डाउन खेलने के लिए, प्रमोट किया जा रहा है इनको, और साई सुदर्शन अगर खेलते हैं तो आप इनको रखो। आप इनका परसेंटेज देख सकते हो मात्र 11.7 है, लेकिन अगर ये बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं सब्स्टिट्यूट में हैं तो
ज़रूर आएंगे खेलने के लिए, तो उस हिसाब से आप रखो। और आपको लगता है कि शुरू में विकेट ज़्यादा गिरने वाले हैं तो लास्ट में कोई खिलाड़ी आकर रन बनाएगा, तो अंबती रायडू को रख सकते हो। मैं यहाँ पर रखता हूँ साई सुदर्शन को। अब बात करते हैं ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अगर देखोगे हार्दिक पांड्या का फॉर्म जो है इधर बिल्कुल ख़राब हो गया, बॉलिंग करने के लिए तो आते ही नहीं है और रन भी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप चाहो तो इनको छोड़ भी सकते हो। आप रविंद्र जडेजा को देखो, 92.64% सिलेक्शन है इनका। अगर देखोगे आप इनका तो यहाँ पर रन 20 रन बनाए थे, 4 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट लिए थे, और एक मैच कोलकाता के खिलाफ था तो उसमें भी इन्होंने देख सकते हो 20 रन बनाए थे और यहाँ पे 2 ओवर बॉलिंग किए थे और विकेट इनको नहीं मिला था। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे आप देखो चिदंबरम में ये आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, बैटिंग करते हुए दिखेंगे और हर मैच में 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर डाल ही देते हैं, तो आप इनको रखो। हार्दिक पांडे पे आपको डाउट लग रहा है तो आप उनको छोड़ सकते हो। विजय शंकर लग रहा है कि आने वाले हैं तो आप विजय शंकर को रखो अपनी टीम में। परसेंटेज सिलेक्शन मात्र 37.33 है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी सिलेक्शन परसेंटेज जो था कल के लिए 3.54 का था और 80 पॉइंट इन्होंने दिया था, ठीक है। एक दिन और देखोगे तो 25.69 का सिलेक्शन परसेंटेज था, 45 पॉइंट दिया था इन्होंने। तो ऐसे करके बहुत सारे इनिंग ये खेल चुके हैं, तो आप ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को रखो। आप देख सकते हो यहाँ पे हाईली परसेंटेज पिक रहता है और ये खिलाड़ी कुछ कर नहीं पाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हाईली पिक है यहाँ पे मोइन अली का, और आप देख सकते हो परफॉर्मेंस कैसा है। वही आप देखोगे हार्दिक पांड्या का अभी कितना हाईली पिक है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस आप देखोगे तो एकदम ना के बराबर है 3-4 मैचों में, तो उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे तो मैंने रख लिया, अब बात करते हैं यहाँ पे पेसर्स की, मतलब बॉलर्स की, ठीक है। अब बॉलर्स को देखोगे आप तो राशिद खान सबसे पहले आते हैं, आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। इनका पिक हमेशा हाई रहता है और ऐसे खिलाड़ी को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पे रिक्स लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद शमी को आप देखोगे तो मोहम्मद शमी का भी पिक काफ़ी अच्छा रहता है और ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, तो ऐसे खिलाड़ी को आपको अपने टीम में रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे दीपक चहर का। दीपक चहर का आप देख सकते हो रिसेंट कुछ जो लगातार 4 मैच खेले हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त खेले हैं। इधर बैठाया गया था इनको 2-3 मैच के बाद, जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया था इनका, तो अब देख सकते हो इधर हर मैच में इनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना ज़्यादा रह रहा है। सबसे पहला अगर मुंबई के खिलाफ मैच देखोगे तो 14.97% सिलेक्शन था, उसके बाद इनका 23.78 बढ़ गया, उसके बाद 36.81 बढ़ गया, और लास्ट मैच में देख सकते हो आप 59.29% सिलेक्शन बढ़ गया है। और वही मोहित शर्मा का आप देखोगे तो मोहित शर्मा का भी सिलेक्शन परसेंटेज आप देखोगे तो जिस दिन इन्होंने 4 विकेट लिया था 29.88 सिलेक्शन परसेंटेज था, 112 पॉइंट जिस दिन लिया था 13.38 सिलेक्शन परसेंटेज था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कम परसेंटेज वाले खिलाड़ी आके बेहतर पॉइंट आपको देके जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे नूर अहमद का। कल का सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हो 11.77 था और यहाँ पे 54 पॉइंट इन्होंने दिया है। तो ऐसे करके आप देखो कौन यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है, एनालिसिस करो आप लोग, हर चीज़ को एनालाइज करके आप लोग यहाँ पे टीम बनाओ और तब आप देखोगे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप सिलेक्शन परसेंटेज में मत जाओ, आप उस खिलाड़ी को रखो जो आपको लगता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, बेस्ट हमारे लिए कर सकता है। मैंने तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए आपको बताया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे अपना टीम बनाते हो। बस मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े सिलेक्शन परसेंटेज हैं उस चीज़ को मत देखो, ये खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं, आपको हरा सकते हैं, तो आप प्लेयर के ऊपर जाओ ना कि सिलेक्शन परसेंटेज के ऊपर जाओ। सब लोग अपना अपना टीम बनाते हैं, आप भी अपना बेस्ट टीम बनाओ जो आपको लगता है कि आज बेस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि इसका सिलेक्शन ज़्यादा है इसको ज़्यादा लोग रखें तो रख लो, और जो कम लोग रखे हैं उसको ऐसे इग्नोर करके चले जाओ, तो वैसा ही टीम आप लोग मत बनाओ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैप्टन वीसी में। यहाँ पे भी आप लोग सिलेक्शन परसेंटेज देख के बहुत सारे खिलाड़ी को देख लेते हो, फिर आप बोलते हो कि इसका परसेंटेज ज़्यादा है कैप्टन बनाते हैं, इसका परसेंटेज कम है कैप्टन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग देखते हो कभी कभी क्या होता है कि अगर देखोगे आप कैप्टन परसेंटेज चाहे कोई भी हो, यहाँ पे आपको बॉलर भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई कैप्टन आपका है तो आपको डबल 2 गुना पॉइंट देने वाला है, वही बीसी है तो आपको 1.5 गुना पॉइंट देने वाला है। तो मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पे बेस्ट प्लेइंग 11 में काम करेंगे, तो ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने रखा यहाँ पे कैप्टन। और वही मुझे लगता है कि शुभम दुबे काफ़ी अच्छा खेलेंगे 1 डाउन आके, तो मैंने इनको रखा है बीसी। अगर आप टीम देखोगे तो किसी प्रकार से आपको दिखेगा, अगर आपको लगता है कि सुमन करेगा बेहतर तो आप उसको रखिए, कॉनवे करेगा तो कॉनवे को रखिए, या फिर जो आपको लगता है, आपको पूरी आज़ादी है आप रखो उन लोगों को। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप
खिलाड़ी को देख के यहाँ पे पिक करो, ना कि परसेंटेज देख के। तो मेरा टीम आप देख सकते हो, मैंने बनाया एक एग्जांपल के लिए, आप देख सकते हो डेमो के लिए मैंने बनाया, तो आप भी ऐसा बना के और अच्छे खासे विनिंग कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।